हाँ भाई, आप कनाडा में 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हो आप। वो कैसे, वो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, आपको समझ में आएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाइयों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। ये देख लो, ये हमारा घर है, ठीक है। और अभी घर से बात कर रहे हो, तो भाई आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी मेरे को आप सबसे। और भाई वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो भाइयों आज का टॉपिक है, टॉपिक तो कुछ था ही नहीं लिटरली, मैं आपको सच सच बताऊँ तो, पर आज बात ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई मेरे को स्पेशल व्लॉग डालना पड़ेगा, और वो भी स्पेशल टाइमिंग्स पे। मेरे हर रोज़ व्लॉग्स आते हैं भाई, बिल्कुल डेली व्लॉग, सुबह के 11 बजे इंडिया के टाइम्स के हिसाब से। पर ये वाला टाइम इसमें मेरे को रात को डालना पड़ेगा, अभी के अभी डाल लूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस आया, बिल्कुल अभी आया नोटिस, 2 मिनट पहले IRCC की तरफ से। IRCC क्या है पहले उसको जान लो, और फिर वो जो नोटिस आया वो आपको दिखाऊंगा। नोटिस क्या आया है आपको बताऊंगा, आप उसकी नोटिस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी भाई को वो नोटिस भी पढ़ना है वो वहाँ पर जाके पढ़ सकता है। और ये आप सबके लिए खुशखबरी की बात है भाइयों, कि हाँ आप 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हो अब सिन पे। आपको कैश में इलीगल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ, और अब आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। और आपको एक बात बताऊँ, कैश में बंदों को भाई, अगर आपकी जॉब में आपको $18-20 मिल रहे ना, तो भी आपको कैश पे वो 12 या 13 देंगे, इससे ज़्यादा कभी एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। और वो भी इलीगल, कभी फंस गए तो काम ख़राब, ठीक है। तो इसलिए मैं हर बार मना करता हूँ, स्टडी परमिट तो कैंसिल कर देते हैं इस बात पे। लेकिन अब जो परमिट निकाला है, अब जो नया रूल निकाला है कनाडा गवर्नमेंट ने, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। वो रूल क्या है मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स में बताता हूँ, जो कनाडा गवर्नमेंट ने लिखा है। तो भाइयों वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स बताता हूँ, और फिर उसको एलाबोरेट करके आपको समझाता हूँ कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। आप खुशी देख रहे हो अब भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है सबका फ़ायदा होने वाला है, इसलिए ये वीडियो बिल्कुल अभी के अभी डलेगी आपके इंडिया में। अभी मैं बताऊँ रात के शायद 10-11 बज रखे होंगे, पर मेरे को ये वीडियो अभी के अभी डालनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात आपको, आप तक जितनी जल्दी पहुँच सके उतनी जल्दी पहुँचे, ठीक है। और जो बात क्या है, जो वर्डिंग्स है वो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कैनेडा, या फिर जो अब आने वाले हैं जनवरी 2023 इनटेक के लिए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो भी ऑफ कैंपस जॉब कर रहे हैं, ऑन कैंपस तो भाई आप 20 घंटे से ज़्यादा कर सकते हो, ये कनाडा ने पहले से ही बोल रखा है। अब जो ऑफ कैंपस कर रहा है, और इन सेशन का मतलब है कि आपकी क्लासेस चल रही है, ब्रेक नहीं चल रहा। ब्रेक जब चलता है, जब आपका 20 घंटे से ज़्यादा वो काउंट नहीं होते, क्योंकि काउंट होते हैं पर आप कर सकते हो, लीगल है। यानी कि जब आपकी छुट्टियां चल रही हो उस दिन आप ज़्यादा काम कर सकते हो। यानी कि कुछ लोग, जैसे कि अब एक साल में भाई 3 सेमेस्टर होते हैं, कुछ लोग 2 सेमेस्टर करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि वो एक सेमेस्टर जो वो 4 महीने होते हैं उसमें ब्रेक लें, और फिर उसमें अनलिमिटेड काम करें और अपनी फ़ीस जोड़ें, ठीक है। मोस्टली लोग यही करते हैं फ़ीस जोड़ने के लिए, पर भाई अब आपको ज़रूरत नहीं है। अपना कोर्स 2 साल वाला या फिर 4 साल वाले को 6 साल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 साल वाले को 3 साल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। उन्होंने बोला है कि आप 20 घंटे टेम्परेरली, यू नहीं कि परमानेंटली करा है या फिर और कुछ, पर टेम्परेरली आप कर सकते हो। अभी मतलब थोड़े टाइम के लिए करा है, और वो किस लिए करा है वो भी आपको बताता हूँ। पहले आप सुन लो एग्जैक्ट वर्डिंग्स, आप टेम्परेरली कर सकते हो काम, और एक बार रोड क्रॉस कर लेते हैं। ये नोटिस बिल्कुल अभी अभी निकाला है, रोड क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो ये नोटिस बिल्कुल अभी अभी निकाला है कनाडा गवर्नमेंट ने, कि हमारे पास लेबर्स की शॉर्टेज हो रखी है, हमारे पास बंदे नहीं है। भाई आपको पता है कनाडा इंडिया का 4 गुना है, इतना ज़्यादा बड़ा है, और इंडिया और कनाडा, इंडिया की जो दिल्ली है ना, दिल्ली कैपिटल, उतनी पॉपुलेशन पूरी कनाडा के अंदर वो भी नहीं है, उतनी पॉपुलेशन भी नहीं है। तो आप सोच लो कितने कम बंदे हैं, यहाँ पे बहुत कम है, और यहाँ पे अब इनके पास बंदों की शॉर्टेज हो रखी है। तो ये अभी भी इतना ज़्यादा को बुला रहे हैं। और एक बात और बताऊँ, कनाडा की गवर्नमेंट बदलने वाली है, आपके पास टाइम बहुत कम है, जितने बंदे, जितने मेरे भाई है, जितने आ सको ना उतने आ जाओ, झूठ नहीं बोल रहा। आगे जाके दिक्कत हो सकती है, कोई भी लॉ बदल सकता है। ये वाली गवर्नमेंट जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ, तो जितने भी भाई देख रहे इस वीडियो को, जनवरी की तैयारी कर लो भाई, सबके सब जितनी जल्दी हो सके आइल्स करो जल्दी जल्दी। और आपका भाई बैठा है भाई कनाडा में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी चीज़ में ज़रूरत हो कनाडा में या फिर कहीं बाहर भी,
इंस्टाग्राम की लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, हर एक वीडियो में जाओ और भाई के पास मैसेज करो, ठीक है। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और जो बात कर रहे थे हम कि भाई इनके पास लेबर की शॉर्टेज है, तो लेबर की शॉर्टेज का हमारे लिए इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है कि अब आपके क्लासेस भी चल रही है पर आप फिर भी 20 घंटे से ज़्यादा जॉब कर सकते हो। बस आपको अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। रात को भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर आप जितना कर सकते हो। पहले क्या था, आज हम सिर्फ 2 या 3 दिन जाते हैं जॉब के लिए, मेरी सिर्फ 3 दिन की जॉब है, जैसे 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो 2 दिन 8 घंटे यानी 16, और फिर 1 दिन मैं सिर्फ 4 घंटे करता हूँ दिन के। तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना काम कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है। अब मैं उसके बाद आपको इसके नुकसान भी बताने वाला हूँ, ठीक है। और ऊपर से ये बात भी है कि भाई वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वो आपको कितने घंटे देते हैं। अब यूँ तो है नहीं कि भाई उनके पास जैसे फुल टाइम वाले बंदे हैं, इससे पहले भी वो अपना काम चला रहे थे, राइट। तो फिर वो देखो नए बंदे तो हायर करने से रही, और आपके वो अगर घंटे बढ़ाएंगे तो वो किसी और के कम करेंगे ताकि आपको इक्वालिटी मिले। तो इसका भाई नुकसान क्या है, आपका जो पेस है काम करने का आपको वो बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी इमेज में इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ेगी। यानी कि अगर जैसे मान लो आप कोई भी काम कर, जैसे मैं शेफ हूँ, तो मेरा जो खाना बनाने की स्पीड है या फिर मेरा किसी से भाई जो भी मेरा काम है, मैं अगर उसको टाइमली करूँगा तो वो सोचेंगे कि हाँ भाई ये बंदा है रखने लायक, तो इसे हम ज़्यादा भी टाइम देंगे, राइट। मतलब कि आपको अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। बस आप उन्हें ये बात इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता है। अगर आप डेली न्यूज़ पर ध्यान दे रहे हो, सारी चीज़ों पर ध्यान दोगे, तो ही उस भाई को पता चलेगी। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कैनेडियंस को भी, 90% कैनेडियंस को ये बात का पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ रूल आ रहा है। तो ये बात भाई उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो भाई आप अपने काम में अव्वल रहो, सबसे बेस्ट काम करो, जितना आपसे हो पाए उतने अच्छे से करो, ताकि इनके पास भी यूँ ना हो कि भाई अतू तो अच्छे से काम ही नहीं करता, हम तेरे को घंटे ज़्यादा कैसे दें। दूसरा नुकसान कि भाई जो भी अपने नए भाई आ रहे हैं उनके लिए नुकसान है ये, कि जो अपने बंदे पहले से ही इंडिया कनाडा में हैं, इंडिया के या फिर कोई भी देश के हों, उनके पास भाई थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। अब जैसे शुरुआत में मैंने जॉब ढूंढी तो भाई मेरे को भी हर एक चीज़ में रेफरेंस मांगा, काफ़ी सारी जॉब्स है जिसमें रेफरेंस मांगते कि भाई अपना रेफरेंस दो, आपका कौन नॉन है इस वाली जॉब पे, जैसे आप ये 7 Foods होगी, वॉलमार्ट होगी, उस पर रेफरेंस मांगते हैं। मतलब देखो बिना रेफरेंस के हो जाता है पर बहुत कम चांसेस है, ठीक है। तो वो रेफरेंस बोलेंगे कि भाई आपका कोई जानने वाला हो या कोई और, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस हो। इंडिया वाले एक्सपीरियंस को मानते नहीं है ये, पर फिर भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि भाई कुछ बिल्कुल भी खाली CV कैसे दिखाओगे, जो अगर आपने देखना है कि वो क्या बोलते हैं इंडिया में बैठे बैठे या फिर आपको कनाडा में हो आप और वहाँ से आपको जॉब ढूंढनी है, अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे रेज्यूमे बनाना है, उसके ऊपर भी भाई ने पूरी वीडियो बना रखी है। आप भाई चैनल खोलो मेरा, सारी वीडियोस देखो, एक एक वीडियो मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बना रहा हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं आप लोगों की उतनी मदद करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ ये बात है कि भाई बिना स्किल्स की ज़रूरत है। अगर एक फ़ायदा हो सकता है, अगर आप अपने वहाँ से क्या बोलते हैं, देख लो मेरे घर से इतनी पास है गुरुद्वारा, बस मैं इतना चल के आया हूँ, ठीक है, और मेरे घर से इतनी पास है, बाकी अभी हम रनिंग आउटफिट में है तो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, सुबह का टाइम हो रखा है, तो अभी रनिंग करके और फिर डायरेक्ट वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरे सभी भाइयों को ये बात पता चले और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो आप सबको, ओके। और जो बात है वो ये है कि भाई आप स्किल्स बनाओ, अगर आपके पास टाइम है अभी इंडिया में, आप छोटे से देखो यहाँ पे आपका यू है, अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ देंगे ये, या तो आपको जैसे मेरा काम है शेफ, नहीं तो आप बस स्किल्स बताता हूँ आपको क्या क्या सीख सकते हो। आप बर्गर बनाने सीख लो, पिज़्ज़ा बनाना सीख लो, ये छोटे छोटे ईजी टास्क है यार, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें और है, लाइक स्किल्स बनाओ जितना कोई भी चीज़ हो आपको, कोई भी जैसे कि किसी एक चीज़ में परफेक्ट हो जाओ और फिर उसी चीज़ के रिगार्डिंग आप अपनी जॉब का देख लो। यानी कैशियर भी बन सकते हो आप, कैश किसी भी दुकान पे कैशियर का काम कर लो या कुछ और कर लो, पर फार्मेसी वाले भाई किसी फार्मेसी वाली दुकान पे काम मत करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे भाई अलग सिस्टम है फार्मेसी का, ठीक है। जितने भी अपने SGT वाले भाई थे
या कोई और भी हो तो फार्मेसी का अलग सिस्टम है, तो उससे बच के फार्मेसी के अलावा बाकी आप कोई भी स्किल बनाओ, ठीक है, कोई भी चीज़ सीखो, वो आपको यहाँ पे ज़रूर ज़रूर पक्का पक्का हेल्प करने वाली है, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई और दिक्कत हो तो आपका भाई बैठा है, और भाई भाई को सपोर्ट करो, पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, भाई सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब नहीं कराई ये क्या बात होगी। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, भाई जाओ और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है। मेरे से आप देखो जितना जल्दी हो पा रहा है मैं उतनी जल्दी आपको एक एक बात बता, नहीं तो भाई कोई बात नहीं बताता ये सारी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पहले लगा था जब मैं शुरुआत में आया था कि अपने इंडियंस आपस में एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते होंगे भाई, सेम कम्युनिटी वाला सिस्टम, पर यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो अंग्रेज है ना वो आपके ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, सच्ची बता रहा हूँ। इधर लोग आपस में एक दूसरे से जलते हैं, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, इसलिए लोग आपस में आपको बताएंगे नहीं कि भाई हम ये जॉब कर रहे हैं, हम कैश की मिल रखी है, या फिर भाई अब 20 घंटे से ज़्यादा लीगल हो चुका है, किसी को कोई किसी को नहीं बताता ये बातें। तो भाई इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है, आपस में भाई यहाँ पे ट्रस्ट व्रस्ट का कोई चक्कर नहीं है, जिसको अपना फ़ायदा दिखता है लोग वही काम करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखो, ठीक है, धोखे से बचो। और अगर आपका इंडिया में कोई कितना ही अच्छा दोस्त हो, यहाँ पर भूल जाना, दोस्ती प्यार कुछ नहीं होता, ठीक है, सब माया है, तो इन सब चीज़ों से बचो और अपने काम पे ध्यान दो। और अब भाई काम 20 घंटे से ज़्यादा टेम्परेरली लीगल हो रखा है, तो जितना हो पाए उतना काम करो, और पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि इनको लेबर की कमी है पर आपको पढ़ाई की कमी नहीं है। आप पढ़ने आए हो तो भाई पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, नहीं तो वही बात है, जितने पैसे कमाओगे फेल होगे, री आ गई तो उतने पैसे आप उस सब्जेक्ट की री भरने में लगाओगे, तो फ़ायदा यही है। आप जितना आपसे कॉप अप हो पाए उतना करो अपनी लिमिट के हिसाब से, पर अब लिमिट हटा दिए थोड़े टाइम के लिए, तो लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। थैंक यू, बाय बाय। और जो ट्वीट आया है, जो लिंक है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी भाई। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।